सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते उन सब तो पहला एक नज़र अज के बुलेटिन के मुख खबरों वाल। श्री दुर्गा अष्टमी का पावन परब बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया गया। मंत्री लाल चंद कटारूचक की मौजूदगी विच कई लोग आम आदमी पार्टी विच होए शामिल। दशहरे के संबंध विच अमृतसर पुलिस ने अमृतसर विच कीते कड़े सुरक्षा प्रबंध, आख्या डीसीपी परमेंद्र सिंह पंडाल ने। श्री दुर्गा अष्टमी का परब बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया गया। घर घर विच माता जी दी जोत जगाई गई अते कन्या पूजन कीता गया। इस संबंध विच मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे भी कंजक पूजन कीता गया अते माता जी दे चरणा विच हाजरी भरी गई। श्री दुर्गा अष्टमी के मौके ते लोकां ने कंजक पूजन करदिया परिवार की खुशहाली, सुख शांति अते चढ़दी कला की अरदास कीती। विधानसभा हलका कादियां विच पैंदी तारीवाल नगर कौंसिल दे मौजूदा कांग्रेसी प्रधान, चार मौजूदा कांग्रेसी एमसी अते दो साबका एमसी अपने समर्थकां समेत मंत्री लाल चंद कटारूचक की मौजूदगी विच आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए। मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आम आदमी पार्टी विच शामिल लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने आख्या कि पंजाब विच सरकार बेहतर काम कर रही है। इस मौके ते जिला प्रधान जगरूप सिंह सेखवां समेत कई लोग मौजूद सन। विशेष तौर पर जिस काज लिए इतने आया वो थोड़े नाल साझा कर लगे, मैं भी खुशी है। और मैं कह सकता भी अज धारीवाल म्युनिसिपैलिटी के प्रधान श्री अश्विनी दुग्गल जी और उन्होंने नाल बहुत सारे जिहड़े एम सी ने साडे सत्कारयोग आलमोस्ट धारीवाल कमेटी मैं कह सकता भी पूरी वड्डी गिनती च अज प्रधान जी की अगुवाई दे विच आम आदमी पार्टी शामिल हुई है। और ये नाल नाल शहर के बहुत ही नामवर व्यक्ति भी जेडे सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने उन्हां दी अगवाई दे विच शामिल हुए ने आम आदमी पार्टी च। और इस तो अलावा वख वख इलाकों के जेडे बहुत ही होनहार जेडे अपने अपने पिंडां च अपने अपने इलाके च फेमस ते लोकां दे आगू ब्लाक समिति कानूवाल दे मैंबर और मार्केट कमेटी के सबका चेयरमैन, सो कई कारोबारी व्यक्ति जिहड़े आ जिहड़े अपने अपनी इलाके च अपने अपने वर्ग च एक चंगा नाम रखते हैं वो अज आम आदमी पार्टी शामिल होए। और मैं सब तो पहलों तो इन्होंने साथियों नूं जिते जी आया कहना। दुशहरे का त्यौहार 5 अक्टूबर नूं मनाया जाना है अते अमृतसर विच दुशहरे दे संबंध विच कई समागम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बारे फास्ट वे न्यूज़ टीम नाल गलबात करते डीसीपी परमेंद्र सिंह पंडाल ने आख्या कि अमृतसर विच होण वाले दुशहरे समागमां नूं लैके पुलिस वालों कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इन्हां समागमां नूं शांतिपूर्ण ढंग नाल संपन्न करन लई वड्डी गिनती विच पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उन्हां लोकां नूं अपील की कि इन्हां सुरक्षा प्रबंधां नूं लैके ओह पुलिस नूं सहयोग करन।
पांच तरीक नूं जिहड़ा दशहरे का प्रोग्राम आ रहा सारा और सब तो पहला तो मैं सारे नूं मुबारकां दूंगा और सारे रल के आपां इस त्यौहार नूं वधिया तरीके नाल मनाईए और इहदे विच जिहड़े अलग अलग जगह दे उत्ते होण वाले ने जिवें साडे दुर्गियाणा मंदिर दे विच दशहरा आ फिर अगे भद्रकाली जिहड़ा पिंड आ उत्थे दशहरा आ उस तो बाद साढ़े जिहड़े इधर कटड़ा जैमल सिंह दे लागे जिहड़ी टैलीफोन एक्सचेंज आ उत्थे आ इस तो अलावा इस्लामाबाद एरिए तो छाटा एरिए तो सदर एरिए टोटल साढ़े को सत्त दशहरिया के जिहड़े आ प्रोग्राम आ गए और इन्हां नूं असीं परमिशन जिहड़ी आ प्रोपर सारिया गाइडलाइन जो जो उत्थे कोई कमी पेशी आ वो जिहड़े करवा रहे ने उन्हां नाल साढ़े ACP और ADCP खुद मौके पर जाके इहनूं सारा कवर कर रहे आ फिर इन्हां दीआं सारीआं फाइनल आउण तों रिपोर्टां तों बाद NOC सारीआं आउण तों बाद फिर असीं जिहड़ी अपनी परमिशन जिहड़ी इहनां नूं अज दे दांगे ड्यूटी असीं अज सारे तुसीं देखिआ होणा असीं सवेर दे लगे होए आ सारे ड्यूटी प्रोग्राम साढ़े बन चुके आ हर दशहरे के उत्ते साढ़े ADCP रैंक के ऑफिसर होणगे और उन्हां दे थले दो दो ACP और पाँच पाँच छे छे SHO वगैरह नाल अटैच होणगे इस तों अलावा उन्हां नूं फोर्स दित्ती गई आ ते इहदे विच लोकां तों असीं इह सहयोग मानदे हां कि जदों इहदा इकट्ठ हुंदा आ लोक किसी भी कोई उहनां नूं शक्की चीज़ जां कोई इदां दे भगदौड़ नहीं करनी पुलिस नूं दसणा असीं अपने नंबर भी सारे दित्ते हुए आ और तुहाडे जरिए मैं इहो कहना चाहुंदा शहर वासियां नूं कि जिन्ने भी त्यौहार आ रहे ने आपां सारे रल मिल के और बड़े पीसफुली और प्यार नाल शांतिमोल बना के करने आपां सारे 5 अक्टूबर बुधवार को शहर के वख-वख भागों के दशहरा के समागम आयोजित किए जाने ने और इन समागमों लैके अमृतसर पुलिस वालों कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं तो DCP साहब परमिंदर सिंह पंडाल उन्होंने आखना है कि लोग भी इन सुरक्षा प्रबंधों को लैके पुलिस को सहयोग करन ताकि ये जिहड़े दशहरे के समागम ने वह अमन अमान नाल संपन्न हो सकन और उन्होंने भी आख्या कि पुलिस वालों कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं तो इन कोई ढिल नहीं आन दी जाएगी। कैमरामैन राकेश कुमार और संदीप चाल फर्स्ट न्यूज़ अमृतसर। पीपल वेलफेयर सोसायटी के प्रधान एडवोकेट रजेंद्र कंवर की अगवाई हेठ कटरा मोती राम विखे 1039वां मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मौके उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी मुख्य तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने वालों कैंप का रस्मी उद्घाटन किया गया। इस मौके 450 के करीब मरीजों का चैकअप किया गया और 350 के करीब मरीजों दी अखां का चैकअप किया गया और 100 के करीब मरीजों के शुगर टैसट और हड्डियों के टैसट किए गए। इस मौके परमिंदर संधु, डॉक्टर सूरज दीवान, हरिओम, डॉक्टर दलबीर सिंह, कुलदीप सिंह काका समेत वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। पीपल वेलफेयर सोसाइटी वालों हूँ तो 1000 तो 1039 जिहड़ा है ये कैंप है इन्हों का फ्री मेडिकल कैंप जिहड़ा है ये साल च एक बार नहीं तीन चार बार ये सोसाइटी वालों लगाते ने। सो कंवर जी एडवोकेट भी ने पर इन्हां दे समाज की सेवा का जज्बा जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा है। इन्हां दी सारी टीम प्रधान जी बैठे, शर्मा जी बैठे, सो सारी टीम जिहड़ी इन्हां दी सेवा च लगी आ। सो पीपल वेलफेयर सोसाइटी जिहदे सरप्रस्त ने अमरजिंदर जी ये बहुत चंगे एडवोकेट भी ने उत्थे भी लोगों की सेवा करते ने फ्री भी काम करते आ जो कि केस इन्हों को भेज दिए गरीब का उसकी फ्री सेवा करते हैं तो इतने भी जोड़े ने ये मेडिकल कैंप जोड़े लाते ने मैं समझना बड़ी वही सेवा है। जिला अमृतसर इस बार तकरीबन 1,81,000 हेक्टेयर रकबे झोने की काश्त की गई है जिस तो तकरीबन 10,75,000 मीटन पैदावार होने की संभावना है। झोने की पैदावार के सुचजे मंडीकरण लिए प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं ता जो किसी भी किसान नु कोई समस्या पेश ना आवे। इस बारे जानकारी दिंदिया डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने दस्या कि जिले अंदर चोने दी फसल उपर मदरेपन दी समस्या आन कारण पैदावार ते बुरा प्रभाव पै सकदा है। उन्हां कहा कि जिस तरह चोने दी पैदावार लई तकनीकी ज्ञान दा होना जरूरी है उसे तरह जिन्स दा मंडीकरण दे ज्ञान दा होना जरूरी है। अमृतसर दी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जिसनों भगतों वाला रोड के नाम तो जाना जाता है इसकी हालत पिछले काफ़ी सालों तो बहुत बदतर बनी हुई है जिस वाल प्रशासन बिल्कुल भी जागरूकता नहीं विखा रहा जो कि एक सोचने की गल है। जिस संबंध में राहगीर वालों साड़ी फास्ट वी न्यूज़ टीम नाल गल करते हैं सरकार ते जिला प्रशासन तो मांग की गई कि जल्द तो जल्द इस सड़क नूं वधिया तर्ज से बनाया जाए क्योंकि इस सड़क ते रोजाना काफ़ी गड्डियां की आवाजाही रहती है इस सड़क तो
कुछ ही कदमां ते पक्ता वाला दाना मंडी है, जिसले रोजाना ट्रालियां ते होर हैवी गड्डियां दी आवाजाई रहिंदी है। पर सड़क दी हालत खराब होण कारण काफ़ी लंबे जाम लग जाते हैं अते कई बार लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, जिस वाल सरकार ते प्रशासन नू सोचन अते ध्यान देने की लोड़ है। ये जी दाना मंडी रोड है गेट भगतां वाला, ये झबाल तक जाती सड़क, ये सड़क नू बनया कम से कम 20 साल हो गए ने। साडा तो उही हाल है, सारे शहर का कूड़ा आंदा तो साढ़े सिर च पा के निकल जाता। इतने 20 साल तो साड़ी समस्या है, कोई एक पैसे जिन्ना नहीं इन्हों का सानू रिस्पोंस, पहले तरले कढ़ते हैं सानू लियाओ, जे लियाए हैं तो साडा कम उही है। इतनी मुश्किल हैगी हुण दाणा मंडी रोड चलिया, इतने झोना आ रहा है, सड़क की हालत यह हैगी है कि मैं नरक आ नरक, जगह जगह तो टोए पे हुए ने। लोगों की समस्या है, सड़क बननी चाहिए छेती तो छेती, इन इन्नी कमाई हैगी दाणा मंडी की इन्हों तो घट्टा उड़दा गोडे गोडे, इतने बगैर मतलब क्या देखो तुम खड़े हो तो घट्टे डस्ट ही आना है, इन्हें टोटे च डस्ट ही डस्ट है। सफाई सड़क का जोड़ा हालात है, मिट्टी वेखो किन्नी किन्नी है, चौंक साफ हो। गुरु नगरी श्री अमृतसर साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो कि भगतों वाला रोड तो होंगी दाना मंडी तक सारी जाती है, तो जो सड़क की हल कर लीए 20 सालों तो नरक भरी बनी पी है, जगह जगह से टोए पे ने, ना जे बरसात आ जाए ना जमीन का पता लगता तो ना ही किसी टोए का पता लगता। लोगों दियाँ आए दिन गड्डिया पलट दियां ने, पर पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दिता। खोखले वादे तो खोखले जुमलिया के ही रह गई सरकार, तो लोगों की जी समस्या है वो अज भी उदा ही खड़ी है। तो लोगों की एक ही मंग है सरकार को पहल के आधार के उत्ते जनता के जोड़े विकास के कामों की करन की लड़ है उन्होंने पहल के आधार के उत्ते कितने निपड़े भी चाढ़िया जाए, ना कि हवाई गल्ला कीतिया जान। तो हुण देखना होगा कि साड़ी इस खबर तो बाद किन्ना क प्रशासन जागरूक हुंदा है कि यह जी भगतों वाला दाना मंडी तक जाने वाली सड़क है, इतने रोड साफ कदों हुंदी है, तो इतने जिहड़ियां स्ट्रीट लाइटां ने कदों तक ठीक हो जांदियां ने तां जो लोगों को कोई मुश्किल नहीं आती। कैमरामैन रमन कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्टवे न्यूज़ अमृतसर। फास्टवे दे फिल्मी चैनल नंबर 240 ते, फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 ते, फास्टवे मैट्रो चैनल नंबर 242 ते, फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 ते, गुरुद्वारा शहीदा साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, श्री दुर्गयाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 ते कीता जा रहे। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 अते शाम नूं सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 ते कीता जांदा है। फास्टवे दे लोकल चैनलों ते एडवर्टीजमेंट देण लई फोन नंबर 7009308833 ते संपर्क कीता जा सकता है। बीती रात पुलिस थाना अजनाला दे पिंड बल्लड़वाड़ दी आबादी हरनाम दास विखे पिंड सारंग देव तो मोटरसाइकिल चोरी करके भज रहे मोटरसाइकिल चोरा वालों एक व्यक्ति नूं गोलियां मार के जख्मी कर दिता गया। इस संबंधी जद पुलिस थाना अजनाला दे अधिकारियों नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि पुलिस थाना अजनाला विच अणपछाते व्यक्तियों विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पिंड सारंग देव तो जी चोरी करके मोटरसाइकिल लिया ने चोर, साढ़े पिंड बाजी हरनाम सिंह दे विच वड़ गए ने कि गली दे विच, गली अगों बंद जी, फिर वो चोर वापस बैग आ गए ने। चोर जिहड़े ने पिंड च रौला पै गए चोर चोर चोर, मेरे गेट अगे सामने मोटरसाइकिल सुट गए पॉपूलर दी झंगी जो चोर वड़ गए ने। मोटरसाइकिल जिहड़ा है वह गुरदासपुर की आरसी निकली हैगी, उन्हें मैनू गोलियां मारियां ने, मैं बेहोश होकर डिग पै। कल रात सुचा सिंह सानू तीजा सिंह बाकी हरनाम सिंह बल्लड़वाल अपने घर मौजूद सी, उन्हें उच्ची उच्ची रौला सुनिया कि कोई चोर फट चोर चोर, जो बाहर निकलिया तो एक मोटरसाइकिल मगर एक होर मोटरसाइकिल जा रहा है, तो उन्होंने अणपछाते व्यक्तियों ने जिहड़ी गोली चलाती है ये खब्बे डोले ते लगी, इसे मुकदमा दर्ज करके तो दोषियों की भाल शुरू कर दी। थाना डी डिवीजन पुलिस ने दो दोषियों को गिरफ्तार करके इन्हों के कब्जे में चोरी के 7 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा बरामद किए हैं। थाना कैंट पुलिस ने दो दोषियों पासों 70 ग्राम हीरोइन बरामद की है। हुण समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसीं देखोगे। चविंडा देवी विखे मनाया गया अष्टमी मेला। ए ते कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद।
फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। हलका मजीठा दे इतिहासिक कस्बा चविंडा देवी विच मां चविंडा दे मंदिर विच भी दुर्गा अष्टमी दा वड्डा मेला लग्या है जो 3 दिन चलेगा। इस मेले दौरान लोग अपनियां सुखना पूरियां होण ते अपने परिवारां नाल टोल तमाकियां नाल मां चविंडा देवी दा शुकराना करन पहुंच रहे हन। इस दौरान सुरक्षा दे मद्देनजर पुलिस ने सख्त प्रबंध कीते हन। मेले दे दौरान रात रहन वाली संगतां लई रिहायश ते अते लंगर दा पूरा प्रबंध रख्या गया है। चविंडा देवी दे हर साल की तरह ऐरकां भी नरातियां दा मेला बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा वा। बाकी है जी प्रबंधक तो चलो वधिया चली जा रहा, बाकी लोग शरदा नाल जिहड़ा कोई उहदा उहदे मनोकामना पूरी हुंदी आ। बाकी जिहड़ा माता दे चरणां च आ के सीस नवाउंदा उहदी अपनी मनोकामना पूरी हुंदी आ ते लोक शरदा नाल ही इत्थे आउंदे आ। माता राणी दी कृपा नाल बहुत वधिया तैयारी चल रही, किन्ने दिनां तों उहनां दे आशीर्वाद नाल आपां मकसद च कामयाब वी होए आ। और मेले दा पूरा प्रबंध जिस तरह पहलां चलदा सीगा कोशिश की है उस तो भी वध वधिया चले। तो महाराणी का लंगर चल रहा, संगत सवेर दी आ रही है, अज सारी रात तक इत्थे रहणगी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿੰਪੀ, ਮਾਨਵ ਤਨੇਜਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਰਜੇਸ਼ ਹਨੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਲਾਸ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
और उस दिन वड्डी गिनती दे विच संगत जिहड़ियां अमृतसर पहुँच रही ने अपने अपने घरां दे विच जिहड़ी है जां सरकारी बिल्डिंगां होण अपने घर होण उन्हां दे वड्डी गिनती दे विच दीपमाला जिहड़ी उह कीती जाए। स्ट्रीट लाइट्स एंड टेक्निकल यूनियन दे प्रधान भुपिंदर सिंह उप प्रधान सतवंत सिंह दी अगवाई हेठ अपनी हक्की मंगां नूं लै के नगर निगम दफ्तर रणजीत एवन्यू विखे रोस प्रदर्शन कीता गया अते उन्हां आख्या कि जल्द तो जल्द उन्हां दीआं मंगां नूं पूरा कीता जाए नहीं तो संघर्ष तेज कीता जाएगा। इस मौके कौंसलर विकास सोनी, सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी, डिप्टी मेयर यूनस कुमार, कौंसलर सलिंदर शैली, चेयरमैन महेश खन्ना, रमन रमी, सतीश बल्लू, संदीप रिनका वालों पहुंच अपना समर्थन यूनियन नु दिता गया। इस मौके कमल किशन, जगराज सिंह, कुलवंत सिंह भी मौजूद सन। एडिशनल कमिश्नर साहब ने जे सी साहब ने साडे कमिश्नर साहब नाल गल कीती, उस वेले प्रिंसीपल सैकटरी दे कोल बैठे थे, उन्होंने ये गल कही आ कि इन्हों असी आउटसोर्स रख सकते हैं, वैसे नहीं रख सकते, इन दे महला सुधार कमेटी के ऑर्डर नहीं है, ये वैसे रखे गए ही। मैं क्या जे इन्हों के महला सुधार कमेटी ऑर्डर नहीं है तो गुनाकार उन्हें जिन्हें महला सुधार कमेटी को चेक दिते इन्हों तनखावें देने वास्ते सजा उन्होंने मिले। मसला है कि देखो जी 30 तरीक नूं इन्हां ने सानूं यकदम टर्मिनेट दे ऑर्डर दे दिते, शामां नूं 4 बजे बुला के सानूं कहिंदे आ कि इन्हां ते कि तुसीं कल तों तुहाडी सेवावां समाप्त कर दित्तियां जांदियां वा। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। इस मौके पर करीब 100 तो उपर लोगों ने खूनदान किया। इस मौके भाई कश्मीर सिंह, भाई सुच्चा सिंह, डॉक्टर अश्विनी कुमार, बलवंत सिंह, सुखदेव सिंह और डॉक्टर देसराज खेतरी समेत कई लोग मौजूद सन। ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है निरंकारी मिशन वालों। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसैस है, हर साल असं करने डिफरेंट भवनों के उत्ते, डिफरेंट स्टेटा के उत्ते, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट उत्ते जन कल्याण वास्ते, क्योंकि साढ़े मिशन का स्लोगन है कि जरा खून है नालिया च नहीं इंसान की नाड़ियाँ च बहना चाहिए। इस तो अलावा असी अज तक जो टोटल यूनिट दे चुके हैं ऑल इंडिया लैवल से अवार्ड के बीच एक नंबर से है, 15 लाख उपर क्रॉस कर चुका है। HRR म्यूजिकल ग्रुप वालों विरसा विहार विखे कपूर स्पैशल नाइट का आयोजन किया गया। इस मौके समाज सेविका सुरभि वर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने सन्मानित किया गया। इस मौके सिंगर वालों अपनी सिंगिंग के जोहर विखाए गए। तरलोचन टोची, हरिंदर सोहल, नरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर OP शर्मा, सुभाष अग्रवाल, राकेश अरोड़ा, तिलक राज समेत वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मैनु लगे और लोगों वास्ते पुराने सॉन्ग्स जड़े ने लोग अच नवी ट्रेडिशन दे विच आ गए ने और मैं ही चाहवांगी आज दे यूथ नु कि वो पुराने गाना है उन्हें जड़ा है प्रमोट करन, क्योंकि सारे इको थीम से करते सी यही क्या चलो अज शमी कपूर, ऋषि कपूर, राज कपूर ते शशि कपूर दे थीम दे उत्ते किता जावे प्रोग्राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अते साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दी जयंती नु समर्पित डॉक्टर सवराज ग्रोवर अते डॉक्टर मनीषा उत्तम सोई दी अगवाई हेठ बटाला रोड विखे फ्री मेडिकल कैंप अते हेल्थ चैकअप कैंप लगाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच लोगों वालों इस कैंप विखे पहुँच के इस कैंप का लाभ लिया गया। इस मौके माहिर डॉक्टर्स वालों मरीजों के चैकअप किए गए और फ्री दवाइयां वंडिया गई। इस मौके विजय महाजन, ब्रिजमोहन शर्मा, डॉक्टर SS सियाल, DB गुप्ता समेत वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती को सार्थकता प्रदान करने के लिए गोल्डन टच फिजियोथेरेपी सेंटर में जो है एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है। जैसा कि कहा भी गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ, साउंड माइंड लीड्स इन अ साउंड बॉडी, और आज हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है किसी न किसी खासकर जोड़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और इस सेंटर की जो संचालिका है डॉक्टर मनीषा उत्तम जो है ये बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रही है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी जो है वो यहाँ पर आकर के ठीक हुई हूँ। भारतीय किसान एकता सिद्धूपुर नु उस समय वड्डा बल मिलिया जद जिला अमृतसर दे 5 ब्लॉकां चौगावां, मजीठा, अटारी, वेरका ते हर्षा छीना दे प्रधान अपने साथियों समेत BKU उगराहा ग्रुप नु छड़ के भारतीय किसान एकता विच शामिल हो गए। इस मौके ते जिला अमृतसर कमेटी दा गठन करदिया बाबा करमजीत सिंह नंगली नु जिला प्रधान
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਜੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੰਦੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਹੀਰਾ ਜੱਸਾ ਭਗਤ, ਰਕੇਸ਼ ਭਗਤ, ਵਰੁਣ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ ਟੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਜਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਟਰਾ ਬਗੀਆ ਦੇ ਮਹਾਜਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਲਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ, ਅੰਬਾ ਮਹਾਜਨ, ਰਮਨ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਛਿਆਟਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਤੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵਸ਼ਕਤੀ ਡੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵਾ ਜੀ ਜਾਮੁਨ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਗਵਤੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 998 ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਲਾਲ ਭਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਸਪਤਾਹ ਗਿਆਨ ਯੱਗਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 5 ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਟਰਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਟਲ ਕੁਮਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 243 ਤੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਹੀਰਾ ਮਹੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਿਲੋਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਹੈ ਪਰਿਆ ਨਿਰਾਲੀ ਹਵਾ।
मल्लभ मंदिर लोहगढ़ विखे नवरात्रियां दे संबंध विच माता जी दी चौंकी दा आयोजन कीता जा रहा है अते भजन मंडलियां वल्लों महामाई जी दीआं भेटां दा गुणगान कीता जा रहा है। बाबा लाल दयाल जी चौंक करमेडोड़ी विखे महंत अनंत दास जी की अगवाई हेठ मंदिर विखे नवरात्रा के संबंध में महामाई जी दियां पेटा का गुणगान किया जा रहा है। नवरात्रा के उपलक्ष्य विच परम संत अरदास स्वरूप श्री आरती देवा जी महाराज जी की अगवाई विच जागरण करवाए जा रहे हैं। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। नवरात्रा के संबंध में शिवाला बागबाइया विखे रोजाना भगवती जागरण का आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध भजन मंडलियां वालों महामाई जी दियां पेटा का गुणगान किया जा रहा है। इस मौके विजय रोली, प्रधान रामपाल चथरथ, डॉक्टर बलदेवराज चावला, अश्विनी शर्मा, बलदेवराज बग्गा, संजय अरोड़ा भी मौजूद सन। मंदिर शिव धाम कुबी बेरी विखे रोजाना नवरात्रा के संबंध में प्रमोद पाटिया की अगुवाई हेठ मंदिर विखे माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। श्री मुक्ति नारायण धाम वेंकटेश मंदिर तिरुपति बालाजी ग्रीनफील्ड मजीठा रोड विखे माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। सब संगतां नूं नवरात्रा के पावन त्यौहार की बधाई दी जा रही है। इस मौके पंडित जय किशन, चरणजीत भास्कर, सुनील उप्पल, चरणजीत अग्निहोत्री, धर्मपाल प्राशर, भारत भूषण गुप्ता, कृष्ण देव अग्निहोत्री समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मनोज जी महाराज की अगुवाई हेठ गुफा वाला मंदिर विखे नवरात्रा के संबंध में रोजाना माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। काली माता मंदिर दुर्गियाना आबादी विखे नवरात्रा के मौके से माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां महामाई जी की पेटा का गुणगान कर रही हैं। मंदिर माता चिंतपुर्णी विखे नवरात्रा के संबंध में रोजाना माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। भजन मंडलियां वालों मंदिर विखे माता जी की पेटा का गुणगान किया जा रहा है। नवरात्रे के संबंध में श्री दुर्गियाना तीरथ दी श्री शीतला माता मंदिर विखे रोजाना माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। मंदिर तुलसीदास जी कटरा दुलो विखे नवरात्रे के संबंध में माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। श्री हरि मंदिर गोपाल नगर मजीठा रोड विखे नवरात्रा के संबंध में मंदिर विखे प्रधान विजय देवगन की अगवाई हेठ संकीर्तन किया जा रहा है। इस मौके सुरेंद्र महाजन, हैप्पी अरोड़ा, पंडित महावीर प्रसाद, मदन महाजन भी मौजूद सन। उस माता ने कभी नहीं चूक सकता जिन्होंने हमें 2 महीने पेट में रखा। शिवाला किला पंगिया विखे नवरात्रा के संबंध में माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। संकीर्तन कर संगतां नूं निहाल कीता जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। नवरात्रा के उपलक्ष्य विच गोपाल नगर गोपाल मंदिर विखे रोजाना भगवती जागरण का आयोजन किया जा रहा है। भजन मंडलियां वालों महामाई जी दीआं पेटां का गुणगान कर संगतां नूं निहाल कीता जा रहा है। इस मौके कैलाश कल्याण, सुनील अरोड़ा, गौरव शर्मा, अश्विनी सूद,
नरेश आनंद, मनमोहन सिंह भी मौजूद सन। बाजार पड़पुंजिया किला पंगिया विखे नवरात्रा के मौके पर रोजाना राधा कृष्ण मंदिर विखे माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। नवरात्रा के संबंध में शिवाला लक्ष्मण सर विखे रोजाना माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। काली माता मंदिर टाप बस्ती राम विखे नवरात्रा के उपलक्ष विच जागरण का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। दुर्गा माता मंदिर कोट खालसा विखे नवरात्रा के संबंध में माँ चिंतपुर्णी परिवार वालों माँ भगवती के संकीर्तन किए जा रहे हैं। वड्डी गिनती में संगतां हाजरियां पा रही हैं। इस मौके डॉक्टर अश्विनी मानन, दीपक कुमार, अतुल शर्मा, मनदीप सिंह, महंत बलवंत सिंह भी मौजूद सन। मंदिर वैष्णो दरबार गली जड़ाऊ चौंक फुलावाला विखे भैन परवीन देवी जी की अगवाई हेठ नवरात्रा के मौके पर भगवती संकीर्तन किए जा रहे हैं। वड्डी गिनती में संगतां हाजरी पा रही हैं। नवरात्रा के संबंध में श्री रघुनाथ मंदिर विजयनगर बटाला रोड विखे भजन मंडलियां वालों महामाई जी दियां पेटा का गुणगान किया जा रहा है। इस मौके प्रधान जोगिंदर पाल सरीन, राजकुमार कमल, विवेक शर्मा, मनोज शर्मा वालों सब संगतां नूं वधाई दी गई। गली माई राम की विखे नवरात्रा के संबंध में रोजाना जागरण का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती में संगतां हाजरी भर रही हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर लोहगढ़ विखे नवरात्रा के संबंध में मंदिर विखे रोजाना संकीर्तन किया जा रहा है। वड्डी गिनती में संगतां हाजरी भर रही हैं। मंदिर श्री राधा वल्लभ गली मस्तगढ़ नमक मंडी विखे रजेंद्र कुमार की अगुवाई हेठ नवरात्रा के संबंध में माता जी की चौंकी का आयोजन किया गया। सब संगतां नूं पावन नवरात्रियां की बधाई दी गई। नवरात्रियां दे मौके ते बसंत एवेन्यू विखे भगवती जागरण कीता गया। सुरभि वर्मा, पवन शर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। श्री श्री 1008 निर्मले संत बाबा पोड़े वाले हर सिंह जी महाराज जी दे मंदिर छियाटा विखे नवरात्रा दे संबंध विच श्री विशाल जी महाराज की अगुवाई हेठ श्री दुर्गा स्तुति दे पाठ किए जा रहे हैं। मंदिर श्री बांके बिहारी शरीफपुरा विखे नवरात्रा दे संबंध विच मंदिर विखे माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरी पा रही हैं। नौशहरा विखे रामलीला का मंचन किया गया। भगवान राम के जीवन नाल संबंधित झांकियां भी पेश कीतियां गईयां। साबका विधायक सुनील दत्ती, आईजी मोनिश चावला, साबका वाइस चेयरमैन हरिदेव शर्मा, सरपंच मलूक सिंह, सरपंच इंद्रजीत सिंह, दलबीर सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। सारे त्यौहार मनाने ये सदा आपसी भाईचारा दसता, चाहे गुरपुरब है, चाहे कोई दिवाली है, चाहे रामलीला है, चाहे ईद है, चाहे क्रिश्चन भाईचारे का कोई दिन है। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिथे
ਇਹਦੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਛਿਆਟਾ ਵਿਖੇ ਪੱਲਾ ਕਲੋਨੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਮਿੰਟਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਭੱਲਾ ਕਲੋਨੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪੋਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨਟੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਨੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਧੀਰਜ ਕਾਕੜੀਆ ਨੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੋੜੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁੰਦਰ ਝਾਂਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰਨੂ, ਗਿਫਟੀ ਬੱਗਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਮਿੰਟਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੈਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਖਿਆ DCP ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।